ही तिथं तोडली पाहिजे आणि बीजेपीसोबत आलं पाहिजे. त्यामुळं नारायण राणे यांनी कदाचित एकनाथ शिंदे यांच्याबद्दल तसं वक्तव्य केलेलं असावं आणि भाजपमध्ये येण्यासाठी अनेक आमदार उत्सुक आहे. त्यामुळे माननीय उद्धव ठाकरे यांना आव्हान आमचं आहे की पुन्हा बॅक टू पॅव्हिलियन येण्याचा विचार आपण करणं अत्यंत आवश्यक आहे. आणि नारायण राणेंना राग हाच आहे की शिवसेना आम्हाला तसळून गेलेली आहे. त्यामुळे शिवसेना जर पुन्हा बीजेपीसोबत आली तर नारायण राणे आणि उद्धव ठाकरेचा वाद मिटेल असं मला वाटतं. हिंदी में बताइए, नारायण राणे जी जो स्टेटमेंट किया है कैसे देखते हैं आप इसको? नहीं, नारायण राणे ने जो वक्तव्य किया है ये वक्तव्य मतलब महाराष्ट्र के विकास के लिए मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर रहे हैं. मुख्यमंत्री मातोश्री छोड़कर बाहर जाते नहीं है और लोगों की समस्या जानने की कोशिश होती नहीं है. इसीलिए ऐसे मुख्यमंत्री को पद पर रहने का अधिकार नहीं है. इसी तरह की भावना उन्होंने रखी है और इसके बाद वो अपनी भूमिका स्पष्ट करेगी. लेकिन उसमें मुख्यमंत्री का अपमान करने की भूमिका उसमें नहीं थी. माननीय उद्धव ठाकरे जी का अपमान करने की भूमिका उसमें नहीं थी. मुख्यमंत्री पद ऐसा है कि भाई उन्होंने सबको न्याय देना चाहिए, सबके लिए काम करना चाहिए. लेकिन लगातार पौने दो साल में ऐसा नहीं दिख रहा है और इसीलिए उन्होंने अपना गुस्सा उतारने की कोशिश की है. लेकिन उसके पीछे महाराष्ट्र का विकास नहीं हो रहा है ये भावना उनकी थी. और बाद में जो उन्होंने वक्तव्य किया है उसके बारे में स्पष्टीकरण दे देंगे. लेकिन उसमें माननीय उद्धव ठाकरे जी का अपमान करने की उनकी भावना तो नहीं थी. मुख्यमंत्री पद जो है वो पद ऐसा है कि वो इतना एक्टिव काम नहीं कर रहा है, इसीलिए उनके मुंह से इसी तरह के शब्द निकले हैं.